आम आदमी पार्टी के अंदर आपसी कलह लगातार बढ़ती जा रही है। जो नेता आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हैं, जो वॉलंटियर जुड़े हैं, वो लगातार उनके बीच में मतभेद पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है। ऐसा ही कुछ एक जो ऑडियो क्लिप सामने आई अरविंद केजरीवाल की, वो ऑडियो क्लिप है जिसमें एक मीटिंग का जिक्र किया गया है, जिसमें अल्पसंख्यकों को कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर देने की बात की गई है। इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए अल्पसंख्यक विंग के प्रेसिडेंट साहब मौजूद हैं। और मुझे लगता है जो क्लिप चली है और मुझे मालूम हुआ है, ये फेक है बिल्कुल, ये कॉन्कॉक्टेड है और ये बाकायदा प्लांटेड है। 2-3 दिन से एक डर्टी गेम हो रहा है पार्टी के खिलाफ, पार्टी की इमेज को ख़राब करने के लिए, ये उसी का हिस्सा मुझे नज़र आता है। और जिस तरह से कहा जा रहा है सो कॉल्ड कोई टेप है या कोई क्लिप है, मुझे लगता है ये सब फेक है, पार्टी को बदनाम करने के लिए है। इस तरह की कोई वार्तालाप हमारी माइनॉरिटी विंग के जरिए के बीच में अरविंद केजरीवाल साहब से कभी नहीं हुई है। हमारी मुलाकातें होती रहती हैं, मीटिंग्स होती रहती हैं, हम लोग आपस में विचार विमर्श भी करते हैं, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं है। ये पूरी तरह से प्लांटेड है और पूरी तरह से फेक है, जिसे मैं पूरी तरह से इसकी कंडेम करता हूँ सर। आप इसको फेक बता रहे हैं, लेकिन आप ही के माइनॉरिटी विंग के जो जनरल सेक्रेटरी हैं शाहिद जी, वो इस बात को कबूल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्लिप तो है, लेकिन एक मुद्दा है, उस मुद्दे को लेकर हम अरविंद केजरीवाल के पास पहले भी गए थे और आगे भी जाएंगे। तो दोनों के बीच में ये जो स्टेटमेंट का डिफरेंसेस है, ऐसा क्यों? ये ऐसा है, तो पहले बात मैं ये क्लियर कर दूं कि शाहिद साहब हमारी पार्टी में नहीं है। ये बिल्कुल गलत प्रचार किया जा रहा है कि वो माइनॉरिटी विंग में हैं। उन्होंने पिछला इलेक्शन कांग्रेस को प्रचार किया था, लिहाजा वो हमारी पार्टी से अब उनका कोई ताल्लुक आज की तारीख में नहीं है। तो ये तो बिल्कुल इसे वाजे है, ये बिल्कुल इसे क्लियर कर दूँ कि उनका हमारी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। वो जो बात कह रहे होंगे अपने तौर पे कह रहे होंगे, अपने लेवल पे कह रहे होंगे, कहाँ से कह रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, ये तो वही ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि इसका हमारी पार्टी से, हमारी माइनॉरिटी विंग से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, इस क्लिप को जब मीडिया के सामने लाया गया तो आसिफ मोहम्मद जी, जो कि कांग्रेस के नेता है, वो भी सामने आए। उनके पास एक लेटर था, उस लेटर के अंदर आपके हस्ताक्षर वो दिखा रहे थे और अल्पसंख्यक विंग के जो तमाम लोग हैं उनके हस्ताक्षर दिखा रहे थे। क्या वो लेटर भी फेक है? नहीं देखिए, मुझे नहीं मालूम कौन सा लेटर वो दिखा रहे हैं। मैंने आपके चैनल पे पहले भी कहा था कि इस तरह की चीज़ें बहुत आएंगी, इस तरह के इल्ज़ामात बहुत लगेंगे इस पार्टी पर। ये पार्टी जिस मरहले से गुजर रही है उसमें इस तरह की चीज़ें हमें फेस करनी पड़ेंगी, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। तो अब बताइए, आसिफ मोहम्मद खान हमारे लेटर्स दिखा रहे हैं, हमारी पार्टी के लेटर्स दिखा रहे हैं, वो स्पोक्समैन आम आदमी पार्टी के बन रहे हैं कांग्रेस में रहते हुए, तो मुझे इसी पे शुभ लग रहा है कि ये कहाँ से मामला हो रहा है और किस तरह से ये चल रहा है, किस तरह से बदनाम करने की कोशिश हो रही है। हमारा कोई लेटर ऐसा नहीं है जो आसिफ मोहम्मद खान के पास पहुँच गया हो। हम आसिफ मोहम्मद खान को क्यों लेटर देंगे, हमारी पार्टी के लोग क्यों देंगे? अगर हम कोई लेटर लिखेंगे, कोई बात कहेंगे, तो हम सीधे पार्टी से कहेंगे, पार्टी के फोरम्स में पहुंचाएंगे। लिहाजा मुझे लगता है जो भी उनके पास जो कोई लेटर है या जो भी दिखा रहे हैं, वो भी एक साजिश का हिस्सा मुझे लग रहा है। क्योंकि आसिफ मोहम्मद खान का अगर पास देखेंगे आप, उनकी पुराना जो उनका करेक्टर देखेंगे, तो वो इसी तरह की चीज़ें करते रहते हैं, इसी तरह से वो न्यूज़ में रहने के लिए, बने रहने के लिए इस तरह की चीज़ें लाते हैं और बहुत सनसनी बना देते हैं चीज़ों को, सनसनी खेज बनाकर पेश करते हैं। मुझे लगता है ये भी वो सनसनी खेज बनाकर पेश कर रहे हैं जिसमें है कुछ नहीं, कोई तथ्य नहीं है। और मैं उन्हें उनके इस एक्टिविटी को कंडेम करता हूँ कि वो पार्टी को इस तरह से बिना वजह बदनाम ना करें। आसिफ जी ये भी बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के काफी वॉलंटियर्स उनके टच में रहे, और वो वॉलंटियर्स बोल रहे हैं कि उनके पास भी ऐसी कई ऑडियो क्लिप है। वो ये भी दावा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में धीरे धीरे करके वो अपना पिटारा है वो खोलने की कोशिश करेंगे और मीडिया के सामने तमाम जो क्लिप्स हैं वो लेकर आएंगे। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि उन्होंने बिजनेस शायद बना लिया है इसको, कि उनके पास कोई पिटारा है और वो रोज़ाना कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। अगर वो यही बिजनेस करना चाहते हैं तो इसी तरह की बिजनेस करें, इस तरह की डर्टी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं वो करें, लेकिन आम आदमी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी पार्टी एक पारदर्शी पार्टी है, एक शफाफ पार्टी है, ट्रांसपेरेंट पार्टी है। उसमें जो कुछ होता है वो ट्रांसपेरेंटली होता है। हम कोई चीज़ हिडन एजेंडा या कोई छिप का काम नहीं करते हैं, या छिप के कोई चीज़ें नहीं होती हमारे यहाँ। आप कहना चाह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के साथ कोई भी भेदभाव आम आदमी पार्टी ने अभी तक नहीं किया और आगे भी नहीं करेगी, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? अगर आम आदमी पार्टी कोई भेदभाव करती तो माइनॉरिटी कमेटी क्यों बनाते हैं, माइनॉरिटी विंग क्यों बनाई जाती? माइनॉरिटीज़ के वेलफेयर के लिए, माइनॉरिटीज़ के सुविधाओं के लिए, माइनॉरिटीज़ के हकूक़ के लिए एक विंग बनाई है, ताकि वो अपनी बात कह सके, अपनी बात रख सके, अपनी बातों को सामने ला सके, उनके मुद्दे सामने ला सके, उनके एजुकेशन का, उनकी हेल्थ का, उनके इलाकों के मुद्दे सामने ला सके। तो मुझे लगता है कि इस तरह का भेदभाव हमारी पार्टी कर ही नहीं सकती है और ना करती है। हमारी पार्टी के विचार ये हैं कि हम धर्म और मजहब की राजनीति नहीं करते,
हम उससे ऊपर उठकर राजनीति करते हैं, उससे उठकर प्लान बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं जो सबके लिए होते हैं। इनका ये कहना है कि कोई भी विवाद आम आदमी पार्टी के बीच में नहीं है अल्पसंख्यक को लेकर, और जिस तरीके से कांग्रेस नेता आसिफ मोहम्मद खान ने एक क्लिप जारी की और तमाम चीजें का आम आदमी पार्टी की कथनी करनी में फर्क है, ये तमाम चीजें कही हैं, उन सब चीजों को यहाँ पे दरकिनार कर दिया गया है। ये बिल्कुल कहा गया है कि कल यानी कि आप आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता हैं उनसे बातचीत की जाएगी, लेकिन प्रेसिडेंट साहब ने यह साफ कर दिया कि किसी भी प्रकार का मतभेद आम आदमी पार्टी में अल्पसंख्यक को लेकर बिल्कुल नहीं है। कैमरामैन अजीत के साथ जतिन शर्मा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।